हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल 007 डिकोर चैनल पर आपको एक बार फिर से वेलकम एंड खुश आमदीद कहते हैं। आई होप माय तमाम यूट्यूब फैमिली जहां भी होगी खुश होगी, आबाद होगी और हमेशा की तरह मेरे चैनल के साथ होगी। तो आज मैं आपके लिए लिविंग रूम के बहुत ही प्यारे से डिज़ाइन लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ ये डिज़ाइन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो प्लीज़ एंजॉय दिस वीडियो। लिविंग रूम के डेकोरेशन के जितने भी आइडियाज़ पॉसिबल हो सके वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी इसी तरह की कुछ लेटेस्ट कलेक्शन लेके आपके लिए आऊँगी। तो जो लोग घरों की तज़ीनों आराइश का शौक़ रखते हैं तो वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी कभी भी कोई भी वीडियो मिस मत हो। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो लोग स्पेशल घरों की तज़ीनो राइश के मतलब थोड़ा सा भी शौक़ रखते हैं उन लोगों को ज़रूर सेंड कीजिएगा। तो इस वीडियो में आपको लिविंग रूम के सोफ़ा की तज़ीनो राइश, सोफ़ा के कलर, लिविंग रूम की सेटिंग और दीवारों के पेंट, दीवारों के वॉलपेपर और कुछ स्मॉल लिविंग रूम और कुछ बड़े लिविंग रूम इस वीडियो में आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आपके पास जितनी भी स्पेस है आपने उस हिसाब से अपने लिविंग रूम की डेकोरेशन देखनी है और फिर आपने उस हिसाब से उस तरीके से अपने लिविंग रूम को डेकोर करने की कोशिश करनी है। हम अपने लिविंग रूम को चाहे जितना भी अच्छा बना लें लेकिन जब तक हम उसकी सेटिंग और उसकी डेकोरेशन नहीं करेंगे तो वो कभी भी एक कंप्लीट और प्यारा लुक नहीं देगा। तो आप अपने बजट के हिसाब से किस तरह की लिविंग रूम की सेटिंग देना चाहते हैं तो उसको ज़रूर सेटिंग देख के एक घर के लिविंग रूम को दिलकश और सुंदर बना सकते हैं, क्योंकि लिविंग रूम ही घर का ऐसा हिस्सा होता है जहाँ हर गेस्ट ने आके बैठना होता है। और लिविंग रूम आई थिंक सबसे प्यारी जगह होती है जहाँ हम बैठ के खुद को बहुत हल्का फुल्का और खुश महसूस करते हैं, जहाँ पे हम अपने दिन का ज़्यादातर वक्त स्पेंड करते हैं। ये देखें ये रेड कलर का सोफ़ा और उसके साथ येलो कलर का पेंट कितना प्यारा लग रहा था। लिविंग रूम में टीवी वाले पोर्शन बहुत ही प्यारे लगते हैं। लिविंग रूम में जो टीवी यूनिट होता है जहाँ पर टीवी हमारा लगा होता है उस वाली सेटिंग को भी हमने बहुत ही कमाल का बनाना होता है। लाइट के साथ डार्क और डार्क के साथ लाइट का कॉम्बिनेशन हमेशा से ही बहुत प्यारा रहा है। Smell the nail of an oblo beater, listening at the snail of
जी तो आपने अपने लिए कौन सा लिविंग रूम का स्टाइल अपनाया है हमें ज़रूर बताइएगा। आपकी आरा का हमें शिद्दत के साथ इंतज़ार रहेगा। आप अपने लिविंग रूम में किस तरह की डेकोरेशन कर रहे हैं, किस तरह का सोफे का स्टाइल अपना रहे हैं और लिविंग रूम की टीवी यूनिट वाली दीवार को कैसा डेकोरेट किया है ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। और आपके लिए एक छोटी सी टिप्स ये है कि जो टीवी वाली दीवार है उसको कोशिश करके डेकोरेट अगर आप ज़्यादा करेंगे तो बाकी लिविंग रूम की अगर कम से डेकोरेशन है तो फिर भी हमारा लिविंग रूम जो है बहुत ज़्यादा सज जाएगा, क्योंकि टीवी वाली दीवार को बहुत ज़्यादा डेकोरेट करने से बाकी सारे लिविंग रूम को डेकोरेट करने की ज़रूरत नहीं होती। ये देखिए ग्रीन सा टच कितना प्यारा लग रहा था। और इसके साथ साथ आप टेबल के डिज़ाइन भी देखिएगा किस तरह का टेबल और किस तरह की सेटिंग के साथ अच्छा लगता है। कुछ लोगों ने लिविंग रूम के साथ ही अपने डाइनिंग रूम और किचन का सेटअप किया होता है, वो अपनी जगह के हिसाब से या फिर पसंद के हिसाब से होता है। आपको हमारी आज की वीडियो कैसे लगी ये आपने मुझे ज़रूर बताना है। तो अब आप लोगों से इजाज़त लेने का समय आ गया है, तो अपना बहुत ध्यान रखिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा और मेरे चैनल के साथ रहिएगा। तो मैं आपके लिए तब तक एक और नई बहुत ही प्यारी वीडियो बनाती हूँ, तो आप वीडियो को देखिएगा और सुनिएगा और कमेंट कीजिएगा। आप लोग अभी तक मेरे चैनल के साथ हैं, मैं भी आप लोगों के साथ ही हूँ।